समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है अर्जुन। जब समय आएगा तुम्हारी योग्यता सबके सामने आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। टाइम वर्कआउट चल रहा है, जानबूझ के डाली गई है डेडलिफ्ट के बाद। सीक्रेट इंट्रा वर्कआउट, ये मजा सबको दिलाना चाहता हूँ। तेरे एफर्ट पे हम सब कुछ। हाँ ये याद हमने तो कर दिया भाई, सिस्टम कति है। बस इंडिया से बाहर ही है और एक इंडियन। अंशु के घर आ चुके हम और यहाँ फुल पतंग उड़ा रही, 20-20 पतंग, मतलब आधे ज़्यादा तो कटवाई हैं। तो पतंग लेने जा रखे हैं वो, तो ये लास्ट ये भी किसी और की कटी हुई आई है पतंग, यही उड़ा रहे अभी हम। पेचा लड़ा लो क्या? डील दे डील। हाय बॉस कैसे? काट दी भाई। तो काट दी? दिखा दे भाई सबूत के साथ। दिखा दी दिखा दी। So guys, welcome back to the channel again. I hope सब लोग बढ़िया हो और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जो कि हो चुका होगा अब तक, तो वीडियो लेट ही डलती है हमारी। नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है रोड टू प्रो, बिकॉज क्योंकि हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेलने वाले, कोई एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन पर फोकस नहीं है। 3 से 4 कॉम्पिटिशन हो सकते हैं जब तक प्रो नहीं बनेंगे, जब तक खेलने वाला हूँ मैं। दुआ करो पहले तीन में ही हो जाए हमारा काम, तीनों में बेस्ट देंगे। ऐसे नहीं है कि 3 खेल रहे तो एक में ज़्यादा एक में कम, जैसे कि आपको इस वीडियो में भी पता चल जाएगा। आज वाले वर्कआउट में फुलर, बिग, रिप्ड, स्ट्रेटेड सब कुछ दिखने वाला है। आप इंटेंस वर्कआउट स्टार्ट हो गया है, मेरे साथ तो चल ही रहा है अभी 3-4 दिन से लगातार, बिल्कुल साइलेंटली कर रहा था मैं। अभी 2 हफ्ते हो गए प्रेप को, अभी तक किसी को पता भी नहीं है कुछ चल रहा है इसका। Day 1 Day 2 ऐसा कुछ नहीं कर रहा था मैं, सिंपली चुपचाप साइलेंटली। और इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं हम बैक वर्कआउट से, बिल्कुल इंटेंस। अपने वीक पॉइंट को बेस्ट पॉइंट बनाने वाला हूँ। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेंस फिजिक में अब बैक और साइज, ये 2 चीज पे फोकस है, इसलिए बैक से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा शोल्डर वाला कल का वर्कआउट भी खतरनाक था, वो भी दिखाएंगे आपको बाद में। जैसे यतेंद्र भैया ने बोला था कि डेंसिटी तो है लेकिन मास ऐड करना है, और हमें भी पता ही है वो वाला सीन हटाना है कि भाई इंस्टाग्राम पे कुछ, स्टेज पे कुछ, स्टेज पे क्या हो जाता है वो वाला सीन, तो वो नहीं है वो। अब इस बार सही से पीक तो मैं सोच रहा हूँ पीक वीक गेम करूँ ही ना सीधा, मतलब इसलिए 3 गेम है तो तीनों में पीक वीक नहीं होगा। जैसे वैसे भी चढ़ने वाले हैं बहुत, एक दो कॉम्पिटिशन में। और पहला शो, वार्म अप शो होने वाला है जो कि दुबई में है, फिर उसके बाद 2 मेन, वो नहीं बता रहा मैं कहाँ है। बस इंडिया से बाहर ही है और एक इंडियन, जो कि पता ही है लोगों को कौन सा है। अभी निकल रहा हूँ मैं और अभी एक और मील लेके निकलूंगा, वो तो जस्ट अभी पतंग वतंग उड़ा के थक गया था तो एक और मील ले ली थी, और अभी पावर नैप भी ले ली है क्योंकि वर्कआउट इंटेंस होने वाला है। मेरे को पहले ही बोल दिया था कि अब खाली इंटेंस वर्कआउट होगा, वीडियो बनानी है तो खाली वर्कआउट की वीडियो बनाइए, पहले से बोल दिया तो बूम बाम होने वाला है आज। जिम निकलने से पहले ही हम बना रहे हैं अपना प्री वर्कआउट, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज खतरनाक वर्कआउट होने वाला है। प्री वर्कआउट में मैं यूज करता हूँ मस्ट प्लेस का प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम, बहुत बढ़िया प्री वर्कआउट लगता है मेरे को। ना कोई इचिंग पिचिंग और जो रेडनेस वेडनेस हो जाती है ना प्री वर्कआउट से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आपको इसमें मिलता है 200 mg कैफीन, 300 mg एल सिट्रलाइन और 2000 mg बीटा लाइन। और इनका नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है कोला, बिल्कुल ट्राई करना एंड यूज माई कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिससे आपको जितना भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला वो मिलेगा। और एक गुड न्यूज की आप लोगों के लिए, 11 इयर्स ऑफ जित सेल अभी लाइव हो चुकी है जो कि 22 से 26 तक चलने वाली है, एंड इसमें बहुत सारे न्यू लॉन्चेस हैं, मेगा डिस्काउंट है और क्रेजी कॉम्बोज भी मिलने वाले आपको। उसके ऊपर आप मेरा कोड भी डाल सकते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप इजिली बाय कर सकते हो। सीक्रेट इंट्रा वर्कआउट रेडी हो चुका है। पहले इसमें 5 ग्राम हमने कुछ सीक्रेट स्टफ डाला है जो कि है ग्लूटामाइन, ये स्टार्ट किया अभी हमने गैटोरेट, कभी कभी जब लगता है कि पैसा आ चुका है ज़्यादा, वरना नॉर्मल BCA मस्त पंप आता है इंट्रा वर्कआउट में, पता नहीं आ जाएगा नहीं आएगा, कैमरे के सामने तो आता नहीं है बट ठीक है देखते हैं। इंटेंस एपिसोड स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा सीरीज का नाम तो रखा है मैंने रोड टू प्रो,
अब देखते हैं कब खत्म होगी ये सीरीज। पहले रोड टू गोल सॉल्व कर ले हम। अब मैंने प्रो इसलिए कि कोई भी कंपटीशन मतलब पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए नहीं आने वाली। हाँ मतलब हम 3-4 खेल रहे हैं तो किसी में भी कुछ। ठीक है, वो तो तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, तेरे एफर्ट पे है सब कुछ। हाँ एक्सरसाइज से हम डेड होने वाले हैं क्योंकि पहली एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट हैवी वेट जाना 12-12, 10-8-6 बैक टू हैवी वेट्स। रोड चेंज करनी पड़ेगी, ये तो घूम रही है। वार्म अप डन। बिग बॉस से बात करके आए हम, तो कह रहे एक और वार्म अप ले ले 120 का, क्योंकि पहला सेट होने वाला है 140। मैं तो सोच रहा था 120 से पहला ले लें, तो वो भी वार्म अप हो चुका है। अभी प्रिपेयरिंग बन गया है, वर्किंग सेट अभी बाकी है। 2 टाइम वर्कआउट चल रहा है, अभी 2-3 दिन पहले करी थी, उसका निशान अभी तक नहीं है। जब तक फॉर्म बिगड़े ना, जब तक वेट बढ़ाई, जहाँ बिगड़ी हुई नीचे इतना हुई को नीचे 50-10 लगाएंगे फिर देखते हैं। फॉर्म खराब हो जाती आज के आगे हो जाती है बढ़ाऊँ। हाँ फिर आए ठीक ये तो सोच के ही नहीं आए थे, सिलेबस इतना हैवी। हाँ तो जिम में अलग मोटिवेशन चल रही है, हर जगह झंडा, हर जगह इंडिया। जिसका सबसे पहला कंपटीशन देखा था जब नेशनल एंथम चल रहा था लोगों के लिए, मैंने कहा अब एक टाइम
चलाना है नेशनल एंथम, प्रो कार्ड जीतने पे ही चलता है, जो जीतता है उस पर। अभी तक तो हुआ नहीं पूरा, बट हो जाएगा एक दिन। नेक्स्ट एक्सरसाइज चिन अप्स, जानबूझ के डाली गई है डेडलिफ्ट के बाद, क्योंकि और ज़्यादा लोड है। बॉडी वेट एक्सरसाइज खा जाती है अगर कोई ट्रेनिंग के बाद करो तो। अभी तो बस 2 हफ्ते हुए हैं और करना है, ठीक है अभी तो जल्दी खुश नहीं होना। तीन एक्सरसाइज, जो 2 एक्सरसाइज लगे हैं उनके सबके 5-5, इसमें 5 मशीन है तो इसके रेपिटेशन अलग है। मशीन वाले एक्सरसाइज में हमारे रेपिटेशन है 20, 18, 16, 12, ओके एंड 10, 5। स्टार्टिंग में डेडलिफ्ट लगा के मजा ही आ जाता है गाइस, सब लगाओ, ये मजा सबको दिलाना चाहता हूँ। ये यादव ने तो कर दिया भाई सिस्टम कति नहीं। अब दूसरे यादव की बारी है कि पिछली बार की तरह नाक कटा के आएगा या सिस्टम हैंग करके आएगा। मेहनत में कोई कमी नहीं मिलेगी, तो बाकी रब भरोसे। यूट्यूब बनाने में रह गया भाई, जैसे देख रहे होगे लास्ट वीडियो 10-10 दिन में आ रही है, 10 से 15 दिन भी हो जाएगा, लेकिन प्रेप खराब नहीं होगी, इसलिए भी बता रहा हूँ कि सपोर्ट है बरकरार रखना, बीच बीच में कम दिखूँ तो।
चल चल चार और चल बाहर एक और लास्ट के बाद चल बाहर ये सुपर सेट फिनिशर अपनी एक्सरसाइज में ऐड करके देखना एक बार से तो पता नहीं चलेगा। 3 वीक्स मज़ा आता है इसमें, जिम से निकलोगे करके लगेगा हाँ कुछ तो करा है। वर्कआउट शुरू भी तिरंगे से और ख़त्म भी तिरंगे से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी कम नहीं होगी और अचानक से कंपटीशन भी दिख जाएगा। इस बार कोई काउंटडाउन वाउंटडाउन नहीं करने वाला, सीधा खेला हूँ मैं, प्रेशर बन जाता है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इससे अच्छी कंडीशन और इससे अच्छे फॉर्म के साथ। आई लव यू ऑल।